बेहतरीन रेसिपी बनी है दोस्तों, एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और बेसिक मसालों के साथ हमने इसको बनाया है, एक बार आप इसे टेस्ट कीजिए और हमें जरूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश और वर्तिका किचन में। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर ढाबा स्टाइल में, थोड़ा लटपटा सा बनाएंगे। तो ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमने लिया है 400 ग्राम पनीर, इसे हमने इस शेप में काट के रख लिया था, और हमने लिए है एक शिमला मिर्च और एक प्याज और जूलियन अदरक थोड़ा सा। उसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि हमें ग्रेवी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है। ग्रेवी के लिए हमने 5 टमाटर यूज़ किए हैं, इसमें हमने इस तरह से कट लगा लिया है। अब इन्हें हम बॉयल करेंगे और इसकी प्योरी बनाएंगे, और साथ में हमने थोड़ा सा फाइन चॉप्ड अदरक भी लिया है, ये ग्रेवी के लिए है। और ये अनियन हमने 2 अनियन बड़े साइज के हमने फाइन चॉप करके रख लिए हैं ग्रेवी के लिए। तो अब आपको दिखाते हैं जो मसाले हम लोग यहाँ घर में ही बनाएंगे आज मसाले। तो जो मसाले हमने लिए हैं वो है 1.5 टेबलस्पून धनिया, आधा टेबलस्पून जीरा, आधा टेबलस्पून काली मिर्च, 2 सूखी मिर्च, एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत ही छोटा सा है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे ऐड किया है, दालचीनी, 1 मोटी इलायची और 3 लौंग, 2 हरी इलायची। तो समय को बर्बाद ना करते हुए दोस्तों चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें हम लोग टमाटर बॉयल कर लेते हैं। हमने थोड़ा पानी ऐड किया है, गैस हमने जला दिया है, और हम इसमें अब अपने सारे टमाटर ऐड कर देंगे। तो जब तक ये बॉयल हो रहा है हम लोग मसाला बना लेते हैं अपना। तो दोस्तों जब तक हमारे टमाटर बॉयल हो रहे हैं हम लोग मसाला भून लेते हैं। मसाला भूनने के लिए हमने पैन चढ़ा दिया है गैस पे और इसको लो फ्लेम पे रख दिया है। सबसे पहले हम लोग धनिया ऐड करेंगे, करीब करीब 40 सेकंड भूनने के बाद धनिया को हमने जीरा भी ऐड कर दिया है। अब हम जीरे को भी तकरीबन 20 सेकंड और भूनेंगे, तो तकरीबन 20 से 25 सेकंड बाद हम लोग इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। ध्यान रहे दोस्तों गैस की फ्लेम लो रखनी है। तो बस दोस्तों करीब करीब 15 सेकंड हो गए हमको मसालों को भी भूनते हुए, तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और मसालों को एक दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे, नहीं तो इसी में रहे तो जल जाएंगे। और अब मसालों को ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर, फिर इनको हम लोग मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसको थोड़ा दरदरा रखा है, तो इस रेसिपी के लिए मसाला थोड़ा दरदरा ही चाहिए, बारीक मत कीजिएगा ज़्यादा। तो दोस्तों हमारे टमाटर भी हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। गैस को बंद कर दीजिए पहले, तो ध्यान से निकालिएगा, गर्म है, एक प्लेट ले लीजिए साथ में इस तरह से। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, और ठंडा होने के बाद हम इसकी छिलके उतार के इसकी प्योरी बना लेंगे मिक्सी में। तो दोस्तों अब हम इसको हल्का सा सॉटे कर लेते हैं। उसके लिए हम पैन में 1 टेबलस्पून करीब ऑयल यूज करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से फैला लें। सबसे पहले इसमें हम अनियन ऐड करेंगे, अनियन को हल्का सा ऐसे सॉटे करें 10 से 15 सेकेंड। उसके बाद इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर दें। इसी के बाद अदरक भी ऐड कर दीजिए। फ्लेम हमने मीडियम रखी है, ये देखिए जैसे थोड़ा थोड़ा बर्न मार्क्स आ गए होंगे, बस इतना काफी है। अब इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हमने 1 मिनट सॉटे किया है। तो सेम पैन में दोस्तों हम लोग 1 टेबलस्पून और ऑयल डालेंगे, और 1 मिनट के लिए हम लोग पनीर को भी सॉटे कर लेंगे। थोड़ी सी देगी मिर्च हम इसमें ऊपर से ऐड कर लेंगे। गैस को आप मीडियम पे रखिएगा। तो करीब करीब 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद अब हम इसे बंद कर देंगे। आप इसको इससे ज्यादा ना भूने, देखिए हल्के हल्के ग्रिल मार्क्स इसमें आ गए हैं। बस तो हमने गैस जला लिया है, अब हम अपना ग्रेवी बना लेंगे। ग्रेवी के लिए मैंने 30 ml ऑयल लिया है नाप के, और ऑयल के साथ हम एक बटर का पीस भी डाल देंगे। अभी गैस की फ्लेम जो है लो रखें, नहीं तो आपका बटर जल सकता है। बटर को थोड़ा सा पिघला लें ऐसे, और जैसे ही आपका बटर पिघल जाए आप इसमें
अनियन ऐड कर दीजिए। अब हम इसको मीडियम कर लेंगे गैस को। तो तकरीबन 3.5 मिनट हमें ऐसे भूनते हुए हो गए हैं मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम लोग अपना अदरक ऐड कर देंगे और इसे भी हम लोग तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। तकरीबन 40 सेकंड के बाद आप इसमें आधा टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करें। अब हम 10 से 15 सेकंड के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। अब इसमें हम लोग मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे 2 टीस्पून, करीब 1.5 टीस्पून देगी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, और जो हमने मसाला बनाया था वो मसाला हम ऑलमोस्ट सब डाल देंगे। मैंने थोड़ा सा मसाला बचा लिया है। अब जैसे आप मसाले ऐड करते हैं आप गैस का फ्लेम को लो कर लीजिएगा। अब लो फ्लेम पे से हम 30 सेकंड तक भूनेंगे। 30 सेकंड हो गए दोस्तों, हमारा मसाला पक गया है। अब इसमें हम लोग टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे। तो ये टोमेटो प्यूरी हमने बना के रख ली थी, इसमें हमने मिक्सी में पीसते टाइम 50 ml करीब पानी यूज़ किया है, तो आप भी वो यूज़ कर लीजिएगा। अब हमने इसमें गैस की फ्लेम अभी लो है दोस्तों, तो अब हम इसे ढक के 5 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पे। 5 मिनट हो गए हैं, हमारा टमाटर ऑलमोस्ट पक गया है। अब हम इसमें सॉटे वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे। और साथ ही पनीर को भी ऐड कर देंगे। अब इसे हम लोग 2 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे और भुनी हुई कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को तवे में भून लें इस तरह से। तो 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों, हमारा ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर एकदम तैयार है। तो अब इसमें हम लोग क्रीम ऐड करेंगे, करीब करीब 4 टेबलस्पून बस, और उसी के साथ कसूरी मेथी भी ऐसे क्रश करके डालें, भुनी हुई कसूरी मेथी, और इसको ऐसे चला लेंगे एक बार। तो देखिए दोस्तों, ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर तैयार है। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। अब आप इसे रोटी, नान, फुलका या पराठा किसी के साथ भी खाइए, खुद खाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए और हमें जरूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हम ऐसी ही बेहतरीन रेसिपीज आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।